जिन्हें लिटरी डिवाइस में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होती है लास्ट में रिविजन कराते मैम लिटरी डिवाइस को कैसे स्पॉट करें सबसे इंपॉर्टेंट लिटरी डिवाइसेज क्या होते हैं तो अगर आप भी उन बच्चों में से है जिनको अभी तक लिटरी डिवाइसेज क्लियर नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्यों क्योंकि आज मैं आपको वो पांच लिटरे डिवाइसेज बताने वाली हूँ जिसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिटरे डिवाइसेस का हार्डली बेस्ड क्वेश्चन में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अगर आप उस एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लिटरे डिवाइस डिवाइसेस नहीं पढ़ना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को देख लो बिकॉज मैं उन लिटरे डिवाइसेस को पॉइंट आउट करने वाली हूँ जिनसे टीचर अक्सर क्वेश्चन बनाते हैं तो वे पाटी वट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइज अगर आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी हेल्प चाहिए आपको उनके चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या फिर जो हमारी आप वीडियोज देख रहे हो उनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो सब कुछ हमको आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अलोंग विद प्रैक्टिस पेपर्स पेपर जी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको तीन तीन प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हैं विद आंसर कीज इसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है और ये सब कुछ अवेल कर सकते हैं आप फॉर एबसोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट गो टू दीडियो करेंटली वॉचिंग और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये शीट खुलेगी जहां से आप सब कुछ अवेल कर सकते हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप इसे जरूर जरूर, जरूर जाके यू you नो know, ट्राई करें बस आपको अगर आपने कभी अभी तक विदा

या फिर एस की मदद से कंपैरिजन नहीं करते जैसे कि जो आपकी रोड नॉट हम यूनिफॉर्म्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट एज अ कंपेरिजन ठीक है फॉर ऑल द यू नो डिफरेंट एथनसिटीज और डिफरेंट कल्चर्स यूनिफॉर्म्स क्या होती हैं? आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो आप यूनिफॉर्म्स पहनते हो बट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स कल्चर्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं तो यहां पर भी हमने मेटाफोर का यूज करा है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑन किलिंग अ ट्री है ठीक है उसके अंदर जब हम वो यूज करते हैं वर्ड ब्लीडिंग बाक ठीक है तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग है जैसे कि हम लोगों को अगर आप काटते हो तो हमारा खून बहता है ठीक है उसी तरीके से जब आप प्लांट को काटते हो तो उसमें से सैप निकलता है तो वो सैप निकलने के एक्शन को हमने ब्लीडिंग से कंपेयर करा है डायरेक्टली लेप्रस हाइड लेप्रसी इज यू नो डिजीज इन ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर हमारे बॉडी पे बहुत सारे यू नो डिसन हो जाता है तो अगर आप किसी यू you नो know, पेड़ की छाल यानी हाइट को देखो उसके ऊपर भी कई सारे धब्बे होते हैं तो उसको हमने लेप्रसी से यू नो कंपेयर

नॉन ह्यूमन चीज को बहुत सारे बच्चों को लगता है नॉन लिविंग बट नहीं क्योंकि जब भी हम किसी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं तो हम उसका परसोनिफिकेशन कर रहे हैं जैसे हमने रोड को पर्सोनिफाई करा है रोड नॉट टेकन में कैसे क्योंकि हमने बोला है वांटेड वेयर हाउ कैन रोड विच इज अ नॉन लिविंग थिंग वांट समथिंग वो तो ह्यूमनज वांट करते हैं ना दैट इज पर्सोनिफिकेशन फिर विंड पोम में विंड को पर्सोनिफाई कराया गया क्यों क्योंकि क्यों, इसके हरहे हमने ही प्रोनाउन यूज करा है ही तो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं दैट इज अगेन पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट रेन ऑन द रूफ में हमने डार्कनेस और रिकलेक्शन को परसोनिफाई करा है। कैसे बिकॉज के लिए हमने यूज है, होते हैं और को हमने वीव करते हुए दिखाया जैसे वो कुछ बुन रहे हो तो ह्यूमन वीविंग एक्शन करते हैं ना रिकलेक्शन थोड़ी करते हैं सो दैट इज अगेन परसोनिफिकेशन ठीक है फिर लेक आयल ऑफ इनिस में हमने मॉर्निंग को परसोनिफाई है क्यों क्योंकि हमने बोला था मॉर्निंग जो है वो वेल पहन के बैठी हो जैसे वेल्स का मतलब होता है घूंघट ह्यूमन बींग्स घूंघट पहनते हैं मॉर्निंग थोड़ी पहनती है वहां पे हमारा वेल का मतलब था कि इट्स अ फॉगी मॉर्निंग ठीक है सो दैट इज ऑल्सो परसोनिफिकेशन मूविंग अड Simile. Simile is yet another literary डिवाइस जिसके बारे में आपको बचपन में पढ़ाया भी गया होगा ये वन ऑफ first literary devices जिसके बारे में बच्चे पढ़ना सीखते What इज सिमली जब आप लाइक like और as की मदद से दो चीजों के बीच में comparison करो जैसे रोड नॉट टेकन में हम बोल रहे हैं तो पे की मदद से हम कंपेयर करके बता रहे हैं कि दोनों रोड्स इक्वल ही है फेयर है लेजेंड ऑफ दॉर्थ लैंड में बहुत सारे हमारी हैं है इट थिन एज अ वेफर की तरह थिन ब्लैक एज अ कोल कोयले की तरह काला तो दीज ऑल आर सिमलीज ओवर हियर मूविंग अहेड एलिटर बुला, क्युं? हर हर बहुत सारे बच्चों को लगता है कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए बट नहीं सेम कॉन्सोनेंट साउंड जब आती है बिगिनिंग ऑफ दिंग हम एलिटरेशन बोलते हैं जैसे विंडोज में विंड भी व साउंड से स्टार्ट हो रही है विनोज का वो वॉन्ट वॉन्ट व साउंड दोबारा रिपीट हुई अगल बगल के वर्ड्स के स्टार्टिंग में तो पर फिर लेक आयल ऑफ यूनिस््री में हाई फॉर दी हनी वी हाउंड साउंड देखो बिगनिंग ऑफ दी वर्ड्स में हेयर डीप हार्ट स्कोर ह साउंड अगेन बिगनिंग ऑफ दी वर्ड्स में अगल बगल में सेम साउंड से बिगनिंग हो रही कॉन्सोनेंट साउंड से एलिटरेशन नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑनोमैटोपिया ऑनोमैटोपिया मतलब क्या होता है बेटा जब आप साउंड इस्तेमाल करते हो ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो साउंड बता रहेन द रूफ में हमने ऑनोमैटो यूज करा है पिट पैटर टिंकल दीज ऑल रिप्रेजेंट की जब रेन रूफ पे गिरती है तो कैसी साउंड आती है भाव आउ मिया ऑल आर ऑनोमैटोपिया ठीक है ऑनोमैटोपिया तो ये थे मेरे हमारे सबसे पांच इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो मुझे आपसे शेयर करने थे एंड आई एम प्रीटी श्योर इनमें से कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में यू नो क्वेश्चन जरूर आएगा या आ, आ चुका होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर इनमें से कभी कोई क्वेश्चन आया हो एंड आई होप आपको लिटरेरी डिवाइसेस अब क्लियर हो गए हूँ ऑल्सो दिस इज आर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अर कम्युनिटी ओवर एज वेल फॉर पी डी एफ एस एंड रिमाइंडर्स ऑफ सच अमेजिंग सेशंस ऑल्सो दिस माइ इंस्टाग्राम हैंडल फील फ्री टू पिंग मी ओवर हेयर एज वेल